ये माटी करे कि लोहा करे तो पता नहीं, मतलब अभी दिखाए कोशिश करते ना। अभी हम जावा था कुंड की तरफ, ठीक है। तो कुआं पानी पिए के यूज करे आसपास में बहुत सारे कुआं रिस हुई, बहुत अगन पटाग रिस हुई और एक अति गहरा हुई पता नहीं। तो चलो देखता यहाँ के कुआं ला, ये पटा नहीं है जिसने तिसने है और ईटा के बनाए रिसे कुआं है। मना ये तो मंदिर सामने में और तो संगमारी हो, ये दूसरा नंबर का कुआं है और इधर जो बनाए ना कुआं ये पथरा से रचे हुए तीर तीला वाला ईटा वाला रची रिसे। दोस्तों अभी हम लोग सहगाम हैं और हम लोग जा रहे हैं अजय के साथ और गाड़ी चालू हो गए, भीष्म भी आए हैं अड़जाल वाले। तो सहगाम है ना और रास्ता मतलब आप मतलब पूरा दिखावो, तो लोहारा साइड भी आ सकते हो, दल्ली राजा साइड से आ सकते हो। एक कनक वहाँ पे रुकबो हम चौक में, यहाँ से अंदर घुसते वो मंदिर देखे जाना है हमारे, और साथ ही साथ चितवा डोंगरी भी आप जा सकते हो। दोस्तों अभी हम लोग सहगाँव में हैं और सहगाँव तरफ से आ रहे थे, तो ये इधर से डोंडी लोहारा से आप लोग आ सकते हैं राजनंदगंज की तरफ से, और इधर है दोस्तों दली राजा से, तो ज़्यादा दूर नहीं है। और ये स्कूल आप लोगों को सामने दिखाई देगा, यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल सहगाँव का है, बस स्टैंड यहाँ पे दिखाई देगा। तो चलिए वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं दोस्तों बहुत ही प्राचीन मंदिर, जो कि हम लोग बहुत दिनों से आएंगे आएंगे करके सोच रहे थे लेकिन नहीं आ पा रहे थे, बहुत काम मुझे इस पे। तो चलिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो चलिए अभी गाड़ी चला रहे हैं भीष्म और हम लोग बैठेंगे पीछे में। दोस्तों आप लोग को इस तरह से पानी टंकी दिखाई देगा, उधर आप लोगों को लेफ्ट ले लेना है और लोकेशन बहुत ही जबरदस्त है, बढ़िया है। तो धीरे धीरे हम लोग जा रहे हैं, कैसे ये जाने इधर रास्ता दिखा थोड़ा। हाँ इधर से जाने वाले हैं, कट लेना है का? राइट लेना है और देख सकते हैं ये जो दिखाई दे रहा है गाड़ा रावण, इसको पकड़ के जाना है सीधा सीधा, बरसात में आओगे तो ये पूरा भरा रहता है। चिड़ई मन हरे का देखना कत कत तो भागत में आते। दोस्तों अभी हम लोग पुराण में गाड़ी चला रहे हैं, तो बोलती है ना गाँव से भी बहुत दूर है अभी, मतलब अगर आप लोग बाइक में आओगे तो कहाँ है कहाँ है ढूंढते तो होगे, लेकिन रास्ता है रास्ता रास्ता आप लोग जा सकते हो। जो हम लोग शुरू में आप लोगों को रास्ता दिखा है तो हम लोग जा रहे हैं और हमारे साथ हैं अजय मिश्र, ये जा रहे हैं भाई और हम लोग आते तो हम लोग घूमते घूमते जाते लेकिन बहुत देर हो जाता है। और अभी जा रहे हैं ना तो तालाब वाला पहले जो बनाए हैं वो भी दिखाई दे रहा है यहाँ आस पास। नाम है हमारा जंगल हाँ निकल गया सही है यार, धीरे
घंटा अभी तो पानी एक घंटा क्षेत्र ऐसे पूरा गड्ढा मत गए नदी रहा लगे साले है लेकिन ना पैदल ही तो हालत खराब होगी सही शूट करे बात है ना मस्त हरा भरा है भीड़ बना गया इतना नारियल फूटे कुछ मार फाइनली दोस्तों हम लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा कैसा कैसा है। अब हम लोग बहुत दिन बाद आए हैं लेकिन आप लोगों ने कमेंट किया जाइए दिखाइए इस करके तो आए हैं दोस्तों। और हम लोगों को भी देखने का इच्छा था लेकिन नहीं आ पा रहे थे तो सामने से भी आप लोगों को दिखाएंगे पीछे से भी दिखाएंगे। और वो झंडा रहते कहाँ रहे वही हो मैंने कुंड रहेगा तो चलिए पहले मंदिर देख बोल कैसे कर वो चलो मंदिर पहले देख लेते हैं। दोस्तों ये पीछे से कुछ इस तरह से दिखाई देता है और देख सकते हैं लाल ईंटों से बढ़िया बना हुआ है और इसमें सीमेंट का इस्तेमाल तो नहीं किया होगा चूना जो अंग्रेजों करते थे वैसी यहाँ पे किया गया है। देख सकते हैं दोस्तों ये एक देव स्थल है और ये नंदिया बहिला जैसे कि हम लोग पोरा में इस्तेमाल करते हैं चढ़ाते हैं और हमारे गांव के जो शीतला मंदिर में तो आज भी ये देखने को मिलता है। और हाँ तो सामने का नज़ारा कुछ इस तरह से है ये देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो हम लोग तो पैसा नहीं चढ़ाए हैं लेकिन बाहर से जो आए थे देखने के लिए शुरू शुरू में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे भीड़ हुआ करता था और अभी भी रोड ठीक है 10 रुपये चढ़ाए कहते हैं तो चलिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे लग रहा है हम लोगों को। दोस्तों यहाँ पे आप लोग भी आइए अगर नहीं आए हो तो पता नहीं माटी को ही यार उस समय लोहा के दर्दना है नीरी से और नारियल मना तापमान देख सकते हो संगमारी हो पैसा भी जबरदस्त यहाँ पे है। और ये मंदिर है इसे लगी रही सही तो धराशाई हो गए थोड़े से देख सकते हो संगमारी हो यहाँ के ईटल देख सकते हो इतना मजबूत है मतलब ये बाउंड्री से ही ना है जय ये बाउंड्री जैसे कि अभी हम देखते हैं बाउंड्री रहते तो बाउंड्री भी है अगर अंदर मंदिर मतलब बीच में बड़ा का नहीं मन गिर गए तो और देवता मन हुई जो जब ये नहर ला बनाई सोई ना तो यहाँ मन सब देवी देवता मतलब दूसरा जगह ले गई सोई ठीक है। तो ये राजा महाराजा के समय के हरे संगवारी हो जो गेट है ना ओकर यही तीन रही से ऐसे लगते और ये जो नहर भरी ना फिर से फूट जाए और किस साल बाद खुली हो तो पता नहीं हमला लेकिन एला सामने में जो गेट है ना जो पानी निकलते वो वाला रिपेयरिंग करे बार पूरा ला हटाए गए है नहीं तो नहीं खुल हटाते से यहाँ तो वो बनी ओकर बाद फिर पानी गिरी होकर फिर भरी। तो अभी हम ना मंदिर ला देखे एक कनक देख लेते इनका अंदर जाके कर बाद दो तीन जाते हैं ठीक है। तो अंदर जाके वो देख लेते हैं एक बार और बहुत ही अच्छा है मजबूत ईटा है और ये जो चमर्रा पत्थर का था ना हमारे तीन ओकर गिट्टी से ओकर ये करेंगे मतलब प्लास्टर करेंगे जोड़ेंगे तो
संगमरमर ऊपर में मस्त है, नीचे में भी डिजाइन। और अभी गारा माटी चलते तो ये मन मस्त, अगर गारा माटी में करती तो पूरा उझर जाती, लेकिन कुछ अलग तरह से एम एस उपयोग करे गए है ईटा ला जोड़े पर। चलो अंदर जाके देखन, शुरू में आहन संगवारी हो तो अपन दिखाते नहीं, 10 रुपया पैसा चढ़ा है कौन हरे आइटम दबा दे। अपन यहाँ अंदर जाके दिखाथन, यहाँ तो देवी दिन तक तो निवास नहीं हुई, काबर की जब नहर भरीस हुई ये देख सकते हो संगवारी हो आप मना, तो यहाँ के जो देवी देवता ला दूसर जगह लगी सही, तो सिर्फ एक जो मंदिर है वहाँ पे। और जब ये भरीस हुई ना तो जो एक बाकी के भाग है वो यहीं में गिर गए है, ठीक है, तो बीच में रीस हुई तो ये अलग, हाँ नहीं गिरे रहतीस तो अलग रहतीस। नरिहर मन ये देख सकते हो संगवारी हो, ये गिट्टी फोड़े गए वाला और छोटे छोटे ईटा माला जोड़े बा अलग अलग है के उपयोग करे गए है, देख सकते हो। इधर दिखा देता हूँ इस तरह से मटेरियल की यूज करे गए है, और लकड़ी वकड़ी के और सही समझ ला देखे चला मिला थे। ये देख जब हम यहाँ रहा ना थोड़ा सा हटाए तो ये दिखे लकड़ी वकड़ी देखना दे, साँचा दे मियाँ टेप से पत्थर मन भी है, साइज पत्थर भी दिखा थे, ईटा भी दिखा थे, तो वेला मस्त परमानेंट बना रही, लेकिन क्या कर बे डेम बनी सही ना तो उड़ गए। एकदम पास में ही है ये मंदिर है, सामने ही दिखाई देते हैं हमला गेट। इमें जो पर्दरी से वो ऐसे एक पार गिर गए, अब आधा मना ऊपर के एक पार गिर गए, अब बाउंड्री वाला देखो कितना जबरदस्त बना रही से। अब कौन गांव रही सो ये कद पता नहीं, आसपास के गांव मला बता देता नहीं, एक भैंस बोर्ड है, एक पोइटी है, बगरी टोला है, सह गांव है, बहिया कुआं है, और कोरगुड़ा है, और ओपार मालिक हो रही है, दफाई है, तो ये सब चीज़ गांव करे आस पास में ना सब बसिस हुई, लेकिन जबरदस्त है संगमारी एकदम। ये नहर सबसे ज़्यादा गड्ढा है बालोद जिला के, अभी भी पानी है जो गहरा है वहीं वहीं पानी बचे है। संगमारी हो मंदिर बहुत जबरदस्त बने, लेकिन हम ये सोचा रहे कि ये जो मंदिर है वो ढलाई वाला हरे कि खपरासानी वाला हरे, इधर से ढलाई तो ओकर तो जानकारी हमला नहीं पता, लेकिन पूछे ला कि आसपास के गांव के सियान मनला बहुत ही अच्छा लगी संगवारी हो। अभी आप मला लेके चलबो हमना यहाँ के कुआं, पहली जमाने में कुआं चले तो यहाँ कुआं हावे ओला दिखाते हैं आप मतलब, दो कुआं देखे गए और तरिया घलो हावे, लेकिन तरिया और दूरिया है, ठीक है, तो पूरा डूब गिरी से हमारे जितना भी गांव है डैम बने के बाद डूब गिरी से। संगमारी हो बहुत ही अच्छा लगी से, और ये हमारे बालोद जिला के एक पुरातत्व मतलब ये हमारे धरोहर है संगमारी हो, आप मला दिखाथन, और बहुत अच्छा लगी से मोला सबले पहली जब ये आसपास के गांव के मतलब पता चल रही से, मतलब बहुत दिन के बुलात रही से गजेन राव के बकरी टला से, और भैंस बड़ के भैया मन गलो बुलात रही से सारे गाँव के मना, लेकिन आ नहीं पाते रहे ना मना, लेकिन आज आहन समय निकाल के, और अभी रास्ता ठीक है, अगर ज़्यादा बारिश हो जाए ना तो कहा हो जाए कि रास्ता ख़राब हो जाए, बहुत दूरी है हमारे वो आ जाए में गाड़ी सड़क जाए। और हमला ये दिन बहुत ही अच्छा लगा था, आप मतलब भी दिखाए कोशिश करते हैं, अभी हम जावा था कुंड की तरफ, ठीक है, तो कुआं पानी पिए के यूज़ करे आसपास में बहुत सारे कुआं रिस हुई, बहुत अगन पटाक रिस हुई, और एक अति गहरा हुई पता नहीं, तो चलो देखते हैं यहाँ के कुआं ला। ये दे संगमारी हो वाह, अभी एकदम साफ लगत नहीं, ओ देख सकते हो संगमारी हो ये पटा नहीं है जिसने तिसने है, और ईटा के बनाए से कुआं है मना। ये दे मंदिर सामने में, और ये दे बढ़िया लगा एकदम साफ पानी है,
एलपीए के रूप में ही उपयोग करत रही सही। और वाटर लेवल वाला देख सकते हो, दे वाटर वहाँ से ये दे, बहुत ही बढ़िया बनाए समझे। पानी भी है भी भाई नहीं है कि नहीं कहा था के दे, तो ये नरवा है जुझारा ना नरवा, और ये में बनाए गए है काला एक डैम ला तहाँ गोंदली डैम। एक पूछ रहे थे भीष्म कैसे लगा थे कुआं से? अच्छा लगा थे, ऐसा कुआं देख रहे ऐसे मिला थे कि यहाँ बर्तन वर्तन मिट्टी के रही से। हाँ देख हमारे प्रदत्त विशेषज्ञ बता थे दिखा दिया, देख सकते हो बर्तन मिट्टी के बर्तन के अवशेष मिले हैं दे हमारे। और जो ईटा है ना वो ईटा मन भी इतनी उतनी बिखरे हुए हैं, मतलब आस पास में घर है वो तो बहुत सारे ईटा दिखाई देते हैं हमारे। तो एक एक बीटा के पूरा ईटा है, बहुत अच्छा है। और ये तो काका खोजा थे अजय है देख लेते हैं काका मिली सर एक कनो जी खरे में जान डर। तो ये मन आस पास में मिला थे मन, तो अच्छा बात है ना सामान्य है। जबरदस्त है और हमन अभी तो घूमत है आप मान ला यहाँ पत्थर मन के टीला दिखाबो, और जो यहाँ पेड़ भी पूरा देख सकते हो पूरा जमीन खाली हो गई। तो जब नहर बनाते तो बहुत अकन नुकसान भी होते फायदा भी होते, तो लकड़ी मन के ठुरगा हमारा वही दिखाई देते। और ये हमारे कुछ इस तरह से का तो कुछ दिखाई दिए थे हमारा अजय हमारे बुला थे कहा रे यार। ये देख सकते हो संगवारी हो, अब ये गुड़ी उड़ी इतनी हुई, ये देख सकते हो संगवारी हो ऐसे गुड़ी भी हो सकते हम सही में गुड़ी हुई। ये हरे गुड़ी हमार गोड़ में कथन और माटी दे है, और देख सकते हो दिया विया यहाँ देखे मिली। तो जिकर भी पूर्वज है ओमला इसने, मतलब अगर ये पथरा नहीं रहती ना तो हमारा पता भी नहीं चलती कैसे यार कि ये जगह पर पूर्वज है ये हरे कौन हरे इस करके। तो ये चिन्ह के तौर पे इस तरह से रखे रहते बनाए रहते, तो हम एक बार तो कंफर्म है कि ये हरे गुड़ी मठ जिला मन कथन देख एक दो तीन चार ठन और मिल ही हो तीन। तो ये मन दबी रही से जैसे कि गांव मन में आप मन देख दो गुड़ी वो साइड आओ है आप मन देख सकते हो। माटी बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों, यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं। और ये इसको देखने के लिए हम लोग आए थे कि एक ही जगह बहुत सारे ईटा कहाँ से आ गया इस करके। एमे भी कुछ रीस वही छोटे मोटे मंदिर देख सकते हैं, ये प्लास्टर वगैरह करे गए है और ये लकड़ी के ठुड़गा पेन ला काट के लगी सुई कि कैसे आ जाए तो अपने टूट की सुई। इतना बड़े पेड़ और वो दे मंदिर दोस्तों। यहाँ आसपास में आने के बाद हम लोगों को बहुत कुछ जानकारी मिला कि ये आसपास में बहुत मतलब गांव था ठीक है गांव, और ये भी जो अपने पूर्वजों को यहाँ पे दफनाए हुए हैं और उसका कुड़ी दिखाई दे रहा है मठ दिखाई दे रहा है लाइन से मस्त है ठीक है। तो बहुत कुछ सीखने को भी मिला और उधर कुछ कुछ और बना हुआ है जो सीमेंट ईंट और सीमेंट से बना हुआ है प्लास्टर किया हुआ है। और देखिए छोटे छोटे हम लोगों को टीला मिल रहा है जैसे कि करका भाट में मिला है वहाँ पूरा पसानी काल वाला, तो उस तरह से यहाँ भी देखने को मिल रहा है। तो और ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि एक गांव बसा हुआ था, मतलब गांव तो बसा हुआ था लेकिन वो देखने को मिल रहा है कि वो गांव उजड़ गया है। चलो आप लोगों को
कुआं तो दिखा दिए, ये छोटा सा तालाब दिखा देते हैं। हाँ खेत भी हो सकते। हाँ यार अब एक खेत हरे कि दरिया हरे पता नहीं, लेकिन एक खेत भी हो सकते संगवारी हो। अब देख सकते हो जमीन इतना उपजाऊ हुई, अभी मैं इतना खेती करी ना तो बहुत अच्छा हुई। कहाँ हुई है जैतोनी साहब से तरिया बना दें कि खेत बना दें? खेत तो सकते संग, तालाब तो वो तीन स्पष्ट दिखत रही से हमला एक खेत भी काबल की लाइन से मस्त है। गांव दिखाता ना, छोटे छोटे घर दिखाते, ये दे मस्त, और ऐसे लगा थे जैसे कि हमारा नेव धर था नहीं, ठीक है, तो वैसे पत्थर वाला पहले ही कहा है कि आजकल तो कालम सिस्टम हो गया, पहले ही पत्थर वाला धरे नेव। हाँ देख आप मना एकदम लाइव दिखा था ने वाला, ठीक है, ये दे मोर पीछू में वे, ये अरे संगवारी हो पत्थर वाला ने हो ऐसा पहली तो हमरो घर बना हन अभी भी हाबे, ये दे ये नेव वाला है रे, ये दे ये तो ये गांव है रे पूरा, छोटे छोटे गांव है और पत्थर कुछ इस तरह से मिला दरी से, ये बिना साइज वाला है पत्थर बना, लेकिन अब वो जमाना घर वाला जानते संगवारी हो ये स्टेप से हावे, ये दे ये मतलब एक छोटे से गांव ही सोई, ये देख सकते हो एकदम छोटे छोटे घर, ये देख तो बहुत अच्छा लगा था, जैसे कि ये देख सकते हो कुआं, ये है पटागे है और फिर भी पानी आए भाई, राजश्री दिखा थे सीप से भी है, तो एला तो अगरबत्ती छिल्ली भी है, अपने दिखा देते हैं गोल भाव, ये देख सकते हो संगवारी हो, ये दूसरा नंबर का कुआं है, और इधर जो बनाए ना कुआं ये पथरा से रची हुए तीर तीला वोला ईटा वाला रचरी से, और यहाँ आप दिखा दें कि राजश्री के लिए जीप से मन के है, तो ये पर्यटन मन में नुकसान हर एक पैसे बहुत अकन मन है, बताए नहीं कि यहाँ अच्छा जगह है, जहाँ अच्छा जगह रहते वहीं जाके गंदगी वंदगी कर देते, तो कुछ भी नहीं लगा उसे खाए पिए के, तो बहुत अच्छा है संगवारी हो यहाँ के लोकेशन, अभी भी आ सकते हो, बारिश नहीं होते ना तो घूमे पर आ सकते हो आप, कहेगा कैसे तो अभी हम घर जाए हुआ नहीं भाते, यहाँ जा रहे हो वहाँ जाना है यहाँ जाना है चला थे, तो हम पूरा अभी पैदल ही घूमा था, हमारे गाड़ी वो कर हाबे गाड़ी दिखा नहीं आ रहा जाए तो बहुत अच्छा लगा संगवारी हो, मौसम भी एकदम धूप छाँव है और दिन खड़ा है तो अच्छा लगा थे, आप 15 दिन क्या हुआ दिन तो यहाँ आप स्थानीय साग जो मिट्टी के बर्तन देखे मिलते हैं। अब हम आ गए संगवारी हो ये पथरा में, यहाँ अधिक मात्रा में केकरा मिलने की संभावना है, तो केकरा खाओ नहीं खाओ पताल वाला तुम्हें बताओ, हमन तो खान गजब लगते हैं, अब भी याद दिला दीस तो खाए खाए बात है। अभी हम लोग बांध किनारे आए हुए हैं और यहाँ पत्थर देख सकते हैं, इसे ना पूरा पत्थर दिखाई दे रहा है, तोड़े होंगे और एक जगह रखे होंगे, तो अभी केकड़ा ढूंढ रहे हैं भाई, ये देखिए केकड़ा अगर मिल गया तो मिल गया, पत्थर में ज़्यादा मिलता है ऐसे नहीं रखना चाहिए, लेकिन मछली मैंने पोकट पोकट मर जाती अपने पास में, बस बस वैसे छोटे नहीं हमारे घर वैसे होते मगर बाबू मन जाते ना मछली धरे धासा से यार एक नंबर लगा एक नंबर ऐसे एकदम धासा से
आप महारत्न। ये है गोंदली डैम, यहाँ केकरा खुदाई चला थी अभी। संगमारी हो, ये हरे डैम, और यहाँ देख सकते हो ये पहली पत्थर खदान रही तैसे लागते। देख सकते हो एकदम साइज साइज पत्थर मल्ला तोड़ के रखे गए, और हमन आउ देखे हैं वहाँ, वो देख वहाँ दिखाई देते, यहाँ दिखाई देते। अगर पत्थर सेट वाला मल्ला पता चल जाए तो उठा के ले जाए, एकदम साइज है। और आउ दिखाते हैं साइज साइज पत्थर मल्ला, ये दे यहाँ भी केकरा खोद चला थे। और अहू हरे संगमारी, दे पूरा साइज पत्थर तोड़ के रखे गए। अब का पता भाई का नहार वहार बनी सोई थे, नहार बा फोड़ा तरी सोई, नहार बा घलो फोड़ा तरी सोई शायद मन लगते। जो नहार में लगा थे ना वो पथरा यहाँ से भी तोड़ा तरी सोई, और जितना बनी सोई तो बना दी सोई। तो ये पथरा ना घर में भी यूज हो ही न्योबा, और वो वहाँ भी यूज हो ही संगवारी हो, कहाँ वो डैम में, ठीक है। तो डैम में घलो बहुत ज़्यादा पथरा के यूज़ करेंगे, तो पूरा साइज पत्थर अभी भी बांचे है। सहगांव वाला मन है लेख सकते है, देख सकते हो, लेकिन आजकल कालम वाला सिस्टम चला ना, तो ये लोग कोई पूछता नहीं है। सर बांध दाँत तरिया वरिया बनाए ले जा सकते, ये देख सकते हो ये साइज साइज पत्थर पूरा टीला टीला बनाए हैं, ठीक है। संगवारी हो, आप मल्ला वीडियो कैसे लगी हमला कमेंट करके जरूर बता दो। और ये देख सकते हो संगवारी हो, अभी हमन वीडियो के एंडिंग करा था, बहुत अच्छा लगी समाना पूरा आसपास के अच्छा से एक दिन के समय निकाल के आ रहे हैं। और यहाँ पे करीब हमन एक दो घंटा एकदम बिताहन आसपास के जो भी है, हमारा काका मिली से वाला आप वीडियो के माध्यम से दिखान, और डेम तीर भी गिरे और आप मन हाँ कैसा वीडियो देखना चाहते हो हमला कमेंट करके जरूर बताओ। संगमारी हो, हम ना वहाँ जाए के प्रयास जरूर करो वीडियो बनाए के। तो चलो मिलता है एक नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और हम आ रहे हैं अजय और भीष्मुख साथ, तो अजय हमला गाइड करी से यहाँ तक आए बा, और आप मल्ला आए में कोई परेशानी होते तो पूछ लूँ भाई, या आप वीडियो ला एकदम आराम से रास्ता कैसे आना है वो आप मल्ला बताओ।